केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने प्रेस वार्ता कर महिला सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों पर की सराहना की। मनसुख मांडविया ने कहा कि महिला उद्यमियों को 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन मिलता है। कोई महिला एंटरप्रेन्योर्स हो, स्टार्टअप करे और वो स्टैंड अप होना चाहती है, अपने क्षमता पर खड़ी होना चाहती है, 10 लाख से 1 करोड़ की बैंक से सहाय मिले, उसके लिए भारत सरकार ने योजना चालू की। उसके लाभार्थी 80% महिलाएं हैं। मुद्रा योजना की हम बात करें तो मुद्रा योजना की 68% लाभार्थी महिलाएं हैं। महिलाओं का सशक्तिकरण के लिए मोदी गवर्नमेंट ने जो काम किया है उसका लाभ लेके हमारे देश की महिला आज सशक्त और संबल हो रही है। मनसुख मांडविया ने कहा कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, उसमें महिलाओं की भूमिका अहम है। भारत सरकार ने हेल्थ विभाग ने जो प्रयास किया है उसका आउटपुट आज दिखने लगा है। आने वाले दिनों में हमारे देश की महिलाएं, जब हम आजादी का अमृत काल से पास हो रहा है और मोदी जी ने 2047 यानी कि देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो, उस वक्त भारत विकसित राष्ट्र बने और ये विकसित राष्ट्र बनाने में हमारी देश की महिलाओं की भूमिका बराबरी की हो, बढ़ चढ़ के हो,